टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए लाइन से ए बी टेकिंग टू पॉइंट सी आउटसाइड इट, टेक ए पॉइंट आउटसाइड सी सी ओके टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कॉम्पस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको समझ लीजिए कैसे आपको कंपास को यूज करना है। कंपास को तो यहाँ पे आपको पहले एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी ओके, एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम देना है ए बी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन, यहाँ पे देखिए मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप रूलर से प्रॉपरली कीजिए। ड्रॉ ए लाइन से ए बी, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे बी, तो अभी एक पॉइंट हम बाहर में लेंगे जिसका नाम रहेगा सी। मान लीजिए ये एक पॉइंट है जो है सी। ठीक है, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कैंपस, रूलर एंड कॉम्पास सॉरी। तो यहाँ पे आप रूलर और कॉम्पास यूज करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपका तरीका है, पहले आप सी से एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी के ऊपर। कहाँ पे ड्रॉ करना है, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट में टच करेगा, मान लीजिए इसको आप एक नाम दे दीजिए डी। अभी आपको क्या करना है, आपके कॉम्पास लेना है, जैसे आपका कॉम्पास यहाँ ऐसा है। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइड में पेंसिल लगा होता है, एक साइड में आपका नोकेला वाला पर्सन होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला आपका पेंसिल वाला पर्सन है जहां पे आपका पेंसिल लगा हुआ है, और ये वाला आपका नोकेला वाला पर्सन है। ठीक है, तो अब मान के चल रहे हैं ये आपका नोकेला वाला पर्सन। ठीक है, तो अभी आपको कॉम्पस को यहाँ पे रखना है नोकेला वाले। ठीक है, यहाँ पे नोकेला वाले को रखना है, फिर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे एक घुमाता हुआ आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, अब समझ में आया, एक आर्क ड्रॉ करना है जो ये वाला पोर्शन है नोकीला वाला, आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ मैंने जो डॉट बनाया कलरफुल उस पे रखना है। अब ये पहले आर्क ड्रॉ करेंगे, कॉम्पास का सेटिंग को बिना बदले, कॉम्पास के सेटिंग को बिना बदले आप यहाँ पे सी पे, फिर आप नोकेला वाला पर्सन रखेंगे सी पे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम साइज रहेगा, कॉम्पस का जो खुलापन है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कॉम्पस को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे नोकेला वाला पर्सन को यहाँ पे रखना है, और उसका इसको मेजरमेंट करना है। ठीक है, ये जो साइज एक मेजरमेंट करना है आपका, पेंसिल वाला पोर्शन लाके यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला पोर्शन आपको यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला पोर्शन लाके यहाँ पे रखना है। जो भी मेजरमेंट होगा सेम मेजरमेंट फिर आपको यहाँ पे करना है, यानी कि पहले यहाँ पे नोकेला वाला पोर्शन रखना है, और पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जैसे इस पॉइंट को वो काटेगा इस तरह से। ठीक है, समझ में आया, जो आपने यहाँ पे मेजरमेंट लिया होगा यहाँ पे फिर रख के यहाँ पे पेंसिल को घुमा देना है, तो उस पॉइंट को, ये जो ब्लू वाला आर्क है, इस ब्लू वाले आर्क को, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये ब्लू वाले आर्क को ये यहाँ पे एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको स्केल डाल के, अभी आपको स्केल डाल के सी पॉइंट और ये जो कटिंग पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट और कटिंग पॉइंट इनको जोड़ देना है। ठीक है, ये लंबा जोड़ना है पूरा, यहाँ पे ऐसे वो लाइन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, अभी आपका ड्रॉ है पैरेलल
लाइन टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो आपने सिर्फ रूलर और कंपास यूज करके ये दोनों लाइन बना दिया, ये आपका दोनों पैरेलल लाइन है। हमने ये तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑपोजिट एंगल्स है यहाँ पे, इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स जो है यहाँ पे, ये दोनों सेम होता है। तो हमने सेम एंगल को नाप दिया, जिसकी वजह से ये दोनों लाइन आपका पैरेलल लाइंस हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहता है, दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।